आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को एमपी सीमा से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगी। झालावाड़ जिले के चवली बॉर्डर से यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित समेत सरकार के कई मंत्रियों ने आज तैयारियों का जायजा लिया। डोटासरा के साथ उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, मंत्री रामलाल जाट, राजस्व मंत्री प्रमोद जैन, ममता भूपेश समेत दिग्गज उपस्थित रहे। चवली बॉर्डर से राहुल गांधी के प्रवेश से लेकर रात्रि विश्राम तक और जहां जहां उनका ठहराव होगा वहां मौजूद रूट देखा तो पूरे रास्ते पर जगह जगह उनके स्वागत में भी सजाया जा रहा है। चार तारीख को शाम को राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे। पूरे राजस्थान के लोग उत्सुकता भी है कि राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर के भारत यात्रा कर रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो देश में प्यार बांटने की, भाईचारा बढ़ाने की बात है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, महंगाई कम करने की बात है और प्यार का संदेश लेकर के आ रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके, उनकी आवाज़ बन करके, उनकी केंद्र की सरकार से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा देश में कभी भी हुआ नहीं है। आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी थी, उसके बाद में जो जिस तरीके की तानाशाह हिटलरशाही सरकार केंद्र में है उसके खिलाफ और उनकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ जिस प्रकार का ये भारत में जो नफरत का माहौल फैला है इसको प्यार में बदलने के लिए राहुल गांधी ऐतिहासिक भव्य यात्रा की होती है। बिल्कुल ऐतिहासिक, न भूतो न भविष्य। कौन कौन से लोग आए हैं? सब लोग आएंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, कांग्रेस के अलावा अन्य विचारधारा के लोग भी हैं, एनजीओ भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यवसायी हैं, साधु संत हैं, सब लोग। सारा रूड मैप किया आपने एमपी मोटिवेशनल देखिए, सब देख रहे हैं कहाँ उनका ठहरना होगा, कहाँ उनका ब्रेकफास्ट होगा, कहाँ लंच होगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।